प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक एस्ट्रो तक नो योर फेट। नमस्कार, मैं हूं अर्पिता आर्य। भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे वैवाहिक जीवन का संबंध किन ग्रहों से है, कैसे वैवाहिक जीवन को सुखद बनाएं, किन ग्रहों की वजह से मैरिड लाइफ में परेशानियां आती हैं, वैवाहिक जीवन में आ रही परेशानियों को दूर करने के उपाय क्या है, किन राशि वालों की मैरिड लाइफ कैसी होती है, इन सब पर विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज आपके मन में जो भी प्रश्न विवाह को लेकर उठ रहे होंगे या उसमें आ रही बाधाओं या दिक्कतों को लेकर उठ रहे होंगे, उनके निदान की कोशिश हम इस शो में करने वाले हैं। और पहले सवाल के साथ शुरुआत करेंगे पंडित जी कि विवाह की सफलता के पीछे किन ग्रहों की भूमिका होती है। अर्पिता, ज्योतिषीय मानता है कि जीवन के हर पक्ष पर ग्रहों का प्रभाव होता है। अगर हम विवाह की बात करें कि आपका विवाह होता कैसे है और वैवाहिक जीवन सफल कैसे होता है, तो विवाह होने के पीछे मुख्य रूप से दो आचार्य जिम्मेदार होते हैं, आचार्य शुक्र और आचार्य बृहस्पति। शुक्र, जिसको इंग्लिश में वेनस कहते हैं, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रह होता है विवाह के लिए भी और विवाह की सफलता के लिए भी। विवाह की सफलता के लिए शुक्र और चंद्रमा दोनों जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि शुक्र होता है भावनाओं का स्वामी और चंद्रमा होता है मन का मालिक। विवाह के पीछे जो मुख्य चीज होती है वो होती है आपकी भावनाएं और आपका मन। लड़के और लड़की की जो राशियां हैं, वर और वधू की जो राशियां हैं, ये मुख्य रूप से विवाह को सफल बनाती हैं। तो इसलिए ये देखा गया है कि जब कुंडली हम मिलाते हैं तो दोनों की राशियां मिलाते हैं कि दोनों में ग्रह मैत्री कितनी है, क्योंकि राशियों के हिसाब से ये पता चलता है कि उनका मन कैसा है, और जैसा मन होगा उसी हिसाब से उनके जीवन में उनका तालमेल भी रहेगा। इसीलिए हम ये देखते हैं कि लड़के और लड़की के बीच में राशियों की जो कंपेटेबिलिटी है, राशियों का जो मामला है, वो कुल मिला के कैसा है। बिल्कुल, और क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं राशियों को मेल कराया जाता है, उसके बाद देखा जाता है कि वर और वधु एक साथ रह पाएंगे, जीवन बिता पाएंगे या नहीं। लेकिन कई बार पंडित जी ऐसा होता है कि वर वधु साथ में होते हैं, उनके राशियां भी मैच कर रही हैं, कुंडली जिसको पॉइंट्स कहते हैं 34 वो मिल रहे हैं लक्षण, वो सब होने के बावजूद लड़ाइयाँ होती हैं, रिश्ता सही नहीं चलता, उसके पीछे की क्या वजह है? देखिए अर्पिता, होता ये है कि जब आप केवल गुण से कुंडली मिलाते हैं कि 36 गुण हैं, 18 मिल रहे हैं तो शादी कर दो, ये एक बहुत पुरानी प्रैक्टिस है जो आज नहीं मानी जाती है। यानी आज केवल गुण मिलाने को विवाह का मिलाना नहीं मानते हैं। अब अगर आपको कुंडली मिलानी है तो केवल गुण के आधार पर कुंडली नहीं मिलाएंगे, आपको लड़के और लड़की के ग्रहों को भी देखना होगा, और साथ में एक कुंडली होती है जिसे नवमांश कहते हैं, उसके हिसाब से आप विवाह को पूरी तरह से जान सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में नवमांश मिला करके हम ये जानते हैं कि दोनों का वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। केवल गुण मिला करके आप विवाह के मिलाने को सही नहीं समझ सकते, ये बात आप जरूर जान लीजिए। अगर बात नाराजगी की हो पंडित जी, कई बार नाराजगियां बहुत लंबे वक्त तक चलती हैं या खटपट या नाराजगी बहुत जल्दी हो जाती है, और अगर ऐसा है रिश्ते में तो क्या उपाय करने चाहिए? अर्पिता, नाराजगी से ही बात शुरू होती है और कभी कभी वहां से बात बढ़ते बढ़ते शादी टूटने की नौबत आ जाती है। इसलिए जब बात नाराजगी की हो तो उसी लेवल पे उसको सुलझा लेना चाहिए। नाराजगी कभी कभी हो पति पत्नी के बीच में, उसमें कोई बुराई नहीं है, कभी कभी नाराजगी हो सकती है। लेकिन अगर रेगुलरली नाराजगी रहती है, पति पत्नी में रोज नाराजगी रहती है, तो मामला गंभीर है। और अगर रोज नाराजगी होगी तो इससे वैवाहिक जीवन सुखी नहीं होगा, इसकी वजह से वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आएंगी। रोज रोज नाराजगी तब पैदा होती है जब
ग्रह मैत्री की कमी होती है और तत्वों की समस्या होती है। लड़के और लड़की के बीच में अगर ग्रहों की मित्रता नहीं है तो छोटी छोटी बात पर एक दूसरे से नाराज होंगे, छोटी छोटी बातों पर विवाद होंगे। और अगर तत्वों की समस्या हो, मान लिया लड़की की राशि है अग्नि तत्व की, लड़के की राशि है जल तत्व की, तो दोनों में अग्नि और जल में मेलापक नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में भी तालमेल में दिक्कतें पैदा होती हैं। अब ऐसा हो सकता है कि पति पत्नी के बीच में पत्नी बार बार नाराज हो जाती है। अगर पत्नी बार बार नाराज हो जाती है तो पति नियमित रूप से सूर्य को जल दें और सूर्य को जल देने के बाद ही सुबह अन्न ग्रहण करें, ऐसा एक नियम पतिदेव बना लें, नाराजगी का पाठ कम हो जाएगा। और अगर पति बार बार नाराज हो तो पत्नी सोमवार को भगवान शिव की आराधना करें, सोमवार को शिवलिंग पर जल अर्पित करें और सफेद वस्तुओं का, जैसे चावल है, चीनी है, दूध है, इसका अगर दान करें हर मंडे मंडे, तो पति पत्नी के आपसी संबंध बेहतर होंगे, नाराजगी वहीं पर समाप्त हो जाएगी। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक एस्ट्रोटक, नो योर फेट। बिल्कुल, तो अगर छोटी मोटी नाराजगी आपके बीच होती है तो इन उपायों के साथ आप दूर कर सकते हैं। लेकिन अगर बड़ी नाराजगी कई बार झगड़े में बदल जाती है और वो झगड़ा चलता रहता है, उसके लिए पंडित जी क्या उपाय करें? अर्पिता, बहुत बार ऐसा होता है कि नाराजगी लंबी खिंच जाती है, जैसा आपने कहा, और बात पहुंच जाती है झगड़े तक, यानी विवाद इतना ज्यादा हो जाता है कि फिर साथ में रहना बड़ा कठिन हो जाता है। यानी शुरुआत तो छोटी सी नाराजगी से हुई लेकिन बात पहुंच गई झगड़े तक, इसको सुलझाया कैसे जाए? देखिए, जब पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो, चीख पुकार हो, बेवजह के हल्ले हंगामे हो, तो समझिए कि इसके पीछे मंगल और सूर्य होंगे। ये दोनों अग्नि तत्व के ग्रह हैं। पति या पत्नी किसी की कुंडली में अगर मंगल या सूर्य ज्यादा डोमिनेट कर जाएं, ज्यादा मजबूत हो जाएं, तो दोनों के बीच में बेवजह के झगड़े होते हैं। अगर बात केवल वाद विवाद की हो, केवल बहस होती हो पति पत्नी के बीच में, तो हर शनिवार को पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करें और सरसों के तेल का दीपक जलाएं। पति पत्नी में जिसको भी कष्ट हो, जो तकलीफ में हो, वो पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करेगा और सरसों के तेल का दीपक हर शनिवार को जलाएगा। अगर बात केवल वाणी तक है, अगर बात केवल वाद विवाद तक है, तो इतना करने से आराम मिलेगा। लेकिन अगर बात मारपीट तक पहुंच गई, शारीरिक बल तक पहुंच गई, वायलेंस आ गया, एक दूसरे के ऊपर हाथ उठा रहे हैं, एक दूसरे को धकेल रहे हैं, बात फिजिकल असॉल्ट की हो गई है, तो किसी भी तीन शनिवार को अपने वजन के दसवें हिस्से के बराबर काले तिल या काली उड़द की दाल का दान करिए। अगर पति वायलेंस करता हो, पति मारने पीटने की कोशिश करता हो, तो ये उपाय पत्नी करेंगी। और अगर पत्नी धक्का देती हो या बेवजह फिजिकल अटैक करती हो, तो ये उपाय पति करेंगे। ये दान तीन शनिवार को लगातार किया जाएगा। पति पत्नी के बीच में जो झगड़े वायलेंस तक पहुंच गए हैं, वो झगड़े निश्चित रूप से समाप्त हो जाएंगे। तो अगर नाराजगी है तो क्या करना है? नाराजगी से ऊपर अगर झगड़े तक की नौबत आ गई हो तो आपको कौन से उपाय करने हैं? पंडित जी ने आपको बताया, लेकिन पंडित जी, अगर बात तलाक तक आ गई हो तो क्या किसी उपाय से समस्या का हल हो सकता है? अर्पिता, बहुत बार ऐसा होता है कि लोग एक दूसरे से अलग अलग तो रहते हैं लेकिन तलाक नहीं होता है। और बहुत बार क्या होता है कि शादी हुई और तुरंत तलाक हो गया। यानी तलाक का भी संबंध आपके ग्रहों के आपसी एडजस्टमेंट पर निर्भर करता है। अगर बात तलाक तक आ गई हो तो तलाक के लिए किसी एक ग्रह को जिम्मेदार नहीं कह सकते आप।
अलग अलग कारणों से तलाक होता है, बहुत सारे कारण हैं उसके तलाक के हो सकते हैं, फिर भी सूर्य शनि मंगल और राहु ये तलाक में बड़ी भूमिका निभाते हैं। और अगर मैं अपने अनुभव की बात करूं तो सूर्य और राहु की भूमिका तलाक के मामले में सबसे ज्यादा होती है। अब अगर आपके पति ने आपके ऊपर तलाक का मुकदमा कर दिया है तो, या आपकी पत्नी ने आपके ऊपर तलाक का मुकदमा कर दिया है तो क्या उपाय किए जाएंगे? सोमवार का उपवास रखिए, भगवान शिव को रोज सवेरे 27 बेलपत्र और जल चढ़ाइए। अगर तलाक की बात रोज हो रही है तो ये उपाय करने से राहत मिलेगी। और अगर मान लिया तलाक दायर हो गया, मामला कचहरी तक पहुंच गया, कोर्ट तक पहुंच गया, तो 5 मंगलवार हनुमान जी के मंदिर जाकर के अपनी उम्र के बराबर लड्डू चढ़ाइए, ताकि कंप्रोमाइज हो जाए, सुलह समझौता हो जाए और विवाह बच जाए। और विवाह को बचाने के लिए तलाक के किसी भी मामले में अगर आप विवाह को बचाना चाहते हैं या बचाना चाहती हैं, तो रोज सवेरे 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। ऐसा करने से तलाक होने की जो संभावनाएं हैं, तलाक होने की जो स्थितियां हैं, उन स्थितियों से आप बच जाएंगे। बिल्कुल, तो क्या आपको उपाय करने हैं अगर आप चाहते हैं कि आपका ये झगड़ा और बढ़कर तलाक की चौखट तक पहुंचा है, वो तलाक ना हो, तो इन उपायों को आप कर सकते हैं। लेकिन कई बार समस्या की जड़ में कुछ और भी होता है। कई बार तीसरा शख्स दो लोगों के बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से भी संबंध खराब होते हैं, उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? अर्पिता, तीसरा शख्स कोई जरूरी नहीं है कि प्रेमी ही हो या प्रेमिका ही हो। कई बार परिवार के लोग भी ऐसी भूमिका निभा देते हैं जिससे पति पत्नी के बीच में दरार पड़ जाती है। यानी थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, आपके परिवार का भी हो सकता है, आपका कोई लव अफेयर भी हो सकता है। लेकिन अगर पति पत्नी के बीच में कोई तीसरा आ गया है, विवाह टूटने की संभावना बन जाती है। और आम तौर पर आपके वैवाहिक जीवन में कोई तीसरा तभी एंट्री करेगा जब आपके जीवन में राहु का प्रभाव होगा। राहु की दशा चल रही हो, अंतर दशा हो, तो सावधान हो जाना चाहिए। इस समय में जीवन में किसी तीसरे के प्रवेश करने की संभावना बन जाती है। और अगर शुक्र आ गया तो दो शादियों की, दो विवाह की या एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस जैसे योग भी बन जाते हैं, मामला बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। अगर पति के जीवन में कोई तीसरा व्यक्ति हो तो पत्नी नियमित रूप से बृहस्पतिवार का उपवास रखें और शनिवार को पक्षियों को कैद से मुक्त करें, पिंजरे से पक्षियों को छुड़ा दें, 3-4 शनिवार ऐसा करें। अगर पत्नी के जीवन में कोई तीसरा व्यक्ति हो तो पति हर शुक्रवार का उपवास रखें और शनिवार को किसी निर्धन को उड़द के वड़े खिलाएं, यानी उड़द की दाल भी दे सकते हैं अगर आप चाहें। लेकिन अगर आप ऐसा करें तो एक दूसरे के जीवन में जो तीसरे का प्रवेश है वो बंद हो जाएगा। तीसरे का मतलब केवल ये नहीं है कि लव अफेयर का ही तीसरा हिस्सा होगा, कभी कभी आपके अपने परिवार के लोग भी उसमें भूमिका निभा देते हैं, जिससे सेपरेशन की नौबत आ जाती है। तो अगर परिवार के लोग भी ऐसा कर रहे हैं तो यही उपाय करना बिल्कुल कारगर होगा, बिल्कुल सही होगा। बिल्कुल, तो इस तरीके के उपाय अगर आप करते हैं तो जीवन में, वैवाहिक जीवन में आपके कुछ अवरोध हैं वो दूर होंगे। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।